हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्क्रोटम। यह वीडियो एंड तक देखना, अगर थोड़ी बोरिंग भी लगे तब भी, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपसे ज़्यादा और आपसे अच्छा कोई भी स्क्रोटम के बारे में नहीं आज जानता हम पढ़ने होगा। जा रहे हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम एक आउट पाउचिंग होती है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस होते हैं, तो इसको हम एक कह सकते हैं ये क्यूटेनियस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यूटेनियस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक थैले की तरह होता है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी और इस टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि हमारा जो स्क्रोटम है वो काम करता है, मतलब जो हमारे टेस्टिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है जब बॉडी से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो टेस्टिस का। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है, लेकिन रेगुलेशन किसकी मदद से करता है, तो इसके अंदर एक सबक्यूटेनियस ठीक है, एक सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर सबक्यूटेनियस कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं डार्टोस मसल। और इसी की वजह से ये करता है क्या, रेगुलेशन। किसका रेगुलेशन करता है? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर लोअर 2 to 3 degree देन बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या होता है कि स्क्रोटम जो होता है वो क्यूटेनियस बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे राइट और लेफ्ट टेस्टिस और एपिडिडाइमिस, ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। स्क्रोटम के ऊपर एक सबक्यूटेनियस कवरिंग होती है जिसे हम डार्टोस मसल बोलते हैं, और ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर रखता है बॉडी से, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इतना इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो इसके में यही होते हैं कि इसके हम लेयर्स की बात करते हैं। इसके लेयर्स कितने होते हैं, यानी लेयर्स ऑफ स्क्रोटम। तो इसके लेयर्स में क्या होता है, सबसे बाहर जो लेयर होती है वो उसे होती है स्किन, उसके ऊपर जो होती है वो होती है डार्टोस, यही डार्टोस मसल। इसके बाद हमारे होते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। इसके बाद हमारी जो होती है वो होती है क्लीमेंस्ट्रिक, और फिर इसके बाद होती है क्लीमेंस्ट्रिक फेसिया, और इसके बाद इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ठीक है,